अभी भी यही बोल रहे हैं कि बेटी जो बेटी के सुख में हमारा सुख है। सैल्यूट है यार, आप जैसे माँ बाप को ना बहू का सैल्यूट है कसम से। तो ऐसा करते हैं ना, वो दोनों को ही बुला लेता हूँ मैं, यहाँ बैठ के सीधा बात हो जाएगी ना। तो कोयल और निकिता जी को भेजिए। आइए बेटी है यहाँ पे कोयल जी। नहीं, हम यहीं ठीक है। तो फिर एक काम करो, फिर से जाके झाड़ पे बैठो। अरे यार, मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए बुलाया हूँ कि ताकि आपके घर के जो प्रॉब्लम्स है वो एक साथ बैठ के खत्म हो जाए। पर आप तो इतना ये कर रहे हो कि हिसाब ही नहीं। चुपचाप बैठ, जबरदस्ती के टाइम पास मत कर। तो पहले जमाने में डाकू भी कुछ क्या? बेटी ने किसके बाप का इज्जत दे रहा हो? तो भी ऐसे होता है, जब ये ऐसे कुकर्मी औरत बैठी होती है ना तो अपने आप वैसे होता है। निकिता, तू समझा अपनी सास को? पता नहीं मुंह से क्या अनाप शनाप बके जा रही हैं। इनका अपने जबान पे कोई कंट्रोल ही नहीं है। वैसे आपको बीच में बोलने के लिए किसने बोला? आप मेरी बेटी हैं क्या? अरे शर्म करो, माँ होके आप ऐसा बर्ताव कर रही हैं। बेटी होती तो क्या करती? आप मुंह खोलते ही ना बिल्कुल जहर उगलती हैं। निकिता, तू समझा दे अपनी सास को। अरे उंगली किसे दिखा रही है तू? उठ जा, उठ जा। किसे उंगली दिखा आप रही करना है? क्या चाह रही है? छोड़िए मुझे। अरे ये औरत, समझा इनको। ये आप खबरदार, मेरा हाथ छोड़ो मुझे। आप क्यों ये बोल रही है? अरे समाज में औरत है, औरत के नाम देर से मैं सुनती जा रही हूँ आपकी बात। बकवास में बकवास किए हुई है आप। निकिता को इनको शांत करा। अक्कल नाम की चीज है तेरे को? बेशरम औरत है ये। चुप। ये फालतूगिरी नहीं करना, यहाँ पे सब नहीं चलता है हाथ उठाने का। और तेरे को शर्म नहीं आता है क्या रे? वो बेचारी, उसके पेट में बच्चा है, उसके साथ ऐसी हरकतें कर रही है क्या? बेशरम औरत है। वो तू फैसला मत कर, समझी क्या कौन बेशरम है और कौन क्या है? और तू ये जो कर रही है ना, हाँ इसका इलाज भी है। यहाँ पे 100 किलो का और 150 किलो की ना बाउंसर है हमारे पास लेडीज, उठा के फेंकेगी ना वापस झाड़ पे कोयल के जैसा जाके बैठेगी। तेरे को शर्म नहीं आ रही? हाँ, तेरे माँ को तेरी सास इतना बेरहमी से उसके साथ बात कर रही है, उसके आंख पर हाथ उठा रही है, तो शर्म नहीं आ रही तेरे को? कोई बात नहीं, उसका भी इलाज है मेरे पास, समझा क्या? देखने का इलाज दिखाता हूँ। आज तक मुंह नहीं खोले ना, अभी सब मुंह बाहर आएगा तुम लोग का। ए बुलाओ रे उसको, भेजो।